क्रिएटिव पलक क्रिएशंस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ये बड़ी साइज का सारी स्टोरेज पैक बनाकर तैयार करेंगे। इसमें आप वो सारी साड़ियाँ स्टोर करके रख सकते हैं, एक्स्ट्रा कपड़े, वुलन कपड़े या फिर ब्लैंकेट भी आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। ये हमने फॉर्म शीट पहले ही कट करके रखी है। इस तरह की फॉर्म शीट आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। यहाँ पर हमने फॉर्म शीट की लेंथ रखी है 21 इंच और इसकी विड्थ हमने रखी है 16 इंचेस। लाइनिंग के लिए हमने ये कॉटन फैब्रिक लिया है जो हमने फॉर्म शीट से चारों तरफ से लगभग आधा इंच एक्स्ट्रा कट करा है और ये हमने मैन फैब्रिक लिया है। तो ये हमने पुरानी साड़ी से ये कपड़ा हमने कट करा है। अगर आपके पास दूसरा कपड़ा हो तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो साड़ी का कपड़ा थोड़ा पतला है तो यहाँ पर हम दो लेयर का यूज कर रहे हैं। तो एक लेयर हम और लेंगे, इसके ऊपर बराबर से सेट करके रख देते हैं। मोटा कपड़ा हो तो आप सिंगल लेयर भी ले सकते हैं। इसे हम बराबर से सेट करके रखेंगे। ये हमने इसे पिनअप कर लिया है, इससे मैन फैब्रिक, फॉर्म शीट और लाइनिंग साथ में रहेंगे, जब हम सिलाई लगाएंगे इधर उधर सरकेंगे नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमने इस पर सीधी लाइनें ड्रॉ कर ली हैं। इन्हीं लाइनों के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप पहले इस तरह से सीधी लाइनें ड्रॉ कर लें और उसके बाद में उसके ऊपर सिलाई लगाएं, जिससे कि सिलाई एकदम सीधी लगेगी। तो देखिए हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब हम इस पर आड़ी लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसके ऊपर अब आड़ी लाइनें ड्रॉ कर ली हैं। अब इन लाइनों के ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए हमने इन लाइनों के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब चारों तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। देखिए हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है। तो इस तरह से हमने सिलाई लगाकर ये एक शीट हमने क्विल्ट करके तैयार कर ली है। तो इस तरह से पहले सीधी लाइनें ड्रॉ करके उनके ऊपर आप सिलाई लगाएंगी तो एकदम सीधी सिलाई लगेगी और फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगेगी। तो आप बैक साइड से भी देख सकते हैं, इस तरह से ये हमने चेक वाली सिलाई लगाकर इस शीट को हमने तैयार कर लिया है। इसी साइज की हमने एक और शीट तैयार कर ली है, इसको भी हमने इसी तरह से सिलाई लगाकर क्विल्ट करके तैयार करा है। एक शीट हमने और तैयार करी है, इसको भी हमने इसी तरह से क्विल्ट कर लिया है सिलाई लगाकर। इसकी हाइट हमने रखी है 11 इंच और इसकी विड्थ हमने रखी है 22 इंच। एक शीट हमने और तैयार करी है, इसको भी हमने इसी तरह से सिलाई लगाकर क्विल्ट करके तैयार कर लिया है। इसकी हाइट हमने रखी है 10 इंचेस। और इस शीट की लेंथ हमने रखी है 54 इंचेस। तो इस तरह से ये बैग बनाने के लिए हमने ये चार शीट बनाकर तैयार कर ली हैं। अब ये वाली जो शीट है इसके ऊपर हमें हैंडल स्टिच करने हैं। इसके लिए हम मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पर साइड से हम मार्क करेंगे 6.5 इंचेस पर। इसी तरह से दूसरे साइड भी हम 6.5 इंचेस पर मार्क कर लेते हैं। यहां से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहां से हम ऊपर से निशान लगाएंगे 2 इंच पर।
ये हमने एक फैब्रिक स्ट्रैप तैयार करी है जिसकी विड्थ हमने रखी है 4.5 इंचेस और इसकी लेंथ हमने रखी है 45 इंचेस। इस पर हमें सिलाई लगाकर स्ट्रैप तैयार करनी है, तो इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर इस तरह से फोल्ड करके हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने स्ट्रैप रेडी कर ली है। अब इसे हम यहाँ पर जो हमने मार्किंग करी है यहाँ पर इस तरह से रख के इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमने एक शीट पर हैंडल स्टिच कर लिया है। इसी तरह से हमने दूसरी शीट के ऊपर भी ये हैंडल स्टिच कर लिया है। अब हमारे पास जो लंबी वाली शीट है जिसकी लेंथ हमारे पास 45 इंचेस थी, इसके साथ में हमें जिप स्टिच करनी है। ये हमने जिप ली है, इस तरह की जिप आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। तो ये जिप का सीधा साइड है, तो सीधे साइड को हमें इस शीट के सीधे साइड रखना है। इस तरह से दोनों के सीधे साइड मिलाते हुए रखना है और यहाँ से इसके ऊपर सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। तो यहाँ से इसकी पूरी लेंथ में हम ये जिप स्टिच कर लेते हैं। और यहाँ से जो एक्स्ट्रा जिप है इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। तो देखिए हमने ये जिप स्टिच कर ली है, अब हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ से जो हमने सिलाई लगाई है इसे हम शीट की तरफ इस तरह से मोड़ देंगे और इस तरह से मोड़ने के बाद में यहाँ से हमें इसके ऊपर टॉप स्टिच लगानी है। तो पूरी लेंथ में हम टॉप स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर टॉप स्टिच भी लगा ली है। अब हम जिप में रनर डालेंगे। ये हमने रनर ले लिया है, हम जिप को थोड़ा सा खोलेंगे और यहाँ से हम इसमें रनर इंसर्ट कर लेते हैं।
अब हमारे पास ये जो शीट बची है, इसे हम इस शीट के साथ में स्टिच करेंगे। तो दोनों के सीधे साइड हम एक दूसरे की तरफ करके रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमने सिलाई लगा ली है, अब हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पर जो सिलाई लगाई है, सिलाई को छोटी वाली शीट की तरफ इस तरह से मोड़ देंगे और फिर इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे। तो ये हमने टॉप स्टिच भी लगा ली है। अब हम इस शीट को इसके साथ में स्टिच करेंगे। तो जो छोटी वाली शीट है, ये हमारी बैक के पीछे की तरफ आएगी, तो इसके साथ में यहां से इस तरह से पकड़कर इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लगभग आधा इंच ही हम सिलाई मार्जिन छोड़ देंगे, क्योंकि दूसरे साइड से हमें इसके साथ में स्टिच करना है इसे। तो इसे हम पिनअप कर लेते हैं। यहाँ से थोड़ा सा पार्ट हम ओपन छोड़ेंगे और सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम इसे पिनअप कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा रह गया है, ये हम बाद में सिलाई लगाकर जोड़ लगा लेंगे। तो पहले हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए, ये हमने सिलाई लगा ली है और यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट हमने ओपन छोड़ दिया है। तो यहाँ से ये जो शीट है, इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है, यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं और इस शीट को हम सिलाई लगाकर यहाँ पर जोड़ लगाएंगे। तो दोनों साइड से जितना एक्स्ट्रा है उस पर मार्किंग कर लेते हैं। तो पहले हम इसके ऊपर यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए, हमने इस पर सिलाई लगा ली है और अब हम इस पर टॉप स्टिच भी लगा लेते हैं। तो इस तरह से इसे छोटी वाली शीट की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पर टॉप स्टिच लगा लेते हैं। ये हमने टॉप स्टिच भी लगा ली है और अब ये जो पार्ट ओपन रह गया है, इसके ऊपर हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। देखिए, हमने ये सिलाई लगा ली है।
तो एक साइड हमने ये शीट स्टिच कर ली है और इसी तरह से हम दूसरे साइड दूसरी शीट स्टिच कर लेते हैं। ये वाली शीट हम यहाँ पर स्टिच कर लेते हैं। तो ये हमने दोनों साइड शीट स्टिच कर ली हैं। अब हम इसके किनारे फिनिश कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने 2.5 इंच चौड़ी स्ट्रैप कट करी है, तो बॉर्डर से ही हमने ये स्ट्रैप कट कर ली है। तो इसकी चौड़ाई हमने 2.5 इंच रखी है। आप 2.5 से 3 इंच चौड़ी स्ट्रैप कट कर सकते हैं। अब स्ट्रैप को हमें इसके साथ में स्टिच करना है, तो इस तरह से रखेंगे इसे और इस तरह से रख के इसे हम चारों तरफ स्टिच कर लेंगे और उसके बाद में इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर ऐसे फोल्ड करना है। ऐसे फोल्ड करके इसको हम स्टिच कर लेंगे। तो चारों तरफ हमें ऐसे ही इसे स्टिच कर लेना है और दोनों साइड हम इसी तरह से किनारे बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमने ये स्ट्रैप इसके ऊपर स्टिच कर ली है और फिनिशिंग के साथ में किनारे भी हमने बना लिए हैं। इसी तरह से दूसरे साइड भी हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। तो इस तरह से ये हमारा बिग साइज का सारी स्टोरीज बैग बनकर तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें काफी स्पेस है। इसमें आप छोटे ब्लैंकेट भी स्टोर करके रख सकते हैं, एक्स्ट्रा कपड़े, बच्चों के कपड़े या फिर वूलन कपड़े भी आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। और इसके साथ में हमने जो हैंडल लगाए हैं इससे आप इसे एक जगह से दूसरी जगह उठाकर आसानी से रख सकते हैं। तो ऐसे आप भी ये बिग साइज का सारी स्टोरीज बैग बनाकर तैयार कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह के और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन है उस पर भी ऑल के साथ में जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आपको हमारा आज का ये सारी स्टोरीज बैग का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।